नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमराइड्स कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में इसे बवासीर कहते हैं, और कई लोग इसे मल द्वार पर होने वाले या एनस पर होने वाले मस्से कहते हैं। आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल में यह बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि डेटा के अनुसार 4 में से 3 लोगों को कभी ना कभी इस बीमारी की शिकायत हो जाती है। और इस बीमारी की जो टेंडेंसी होती है वो रिकरेंट होती है। एक बार हो जाएगा, उसको ठीक हो जाएगा, वो फिर रिपीट हो जाएगा। इसको हम रिकरेंट की टेंडेंसी बोलते हैं। और दोस्तों, यदि इस बीमारी का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट सही समय पर कर लिया गया तो ठीक है, नहीं तो ये अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या तो फिशर हो जाता है या ये अपने इनक्यूरेबल मोड पर चली जाती है। इसलिए इस बीमारी का ट्रीटमेंट सही समय पर सही तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पाइल्स या बवासीर क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या देखे गए हैं, और हम ऐसे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि इस बीमारी से बच सकें, और यदि बीमारी हो गई है तो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स मलद्वार या एनस और रेक्टम के अंदर होने वाली बीमारी है। इसमें होता क्या है कि वहाँ की वेन या खून की नलियाँ जो होती हैं वो फूल जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जिससे कान वहाँ दर्द होता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और ब्लीडिंग होने लगती है। हम इस बीमारी को पाइल्स कहते हैं। देखा जाए तो जो पाइल्स होता है वो मेनली 2 तरह का होता है। उसमें नंबर 1 होता है इंटरनल पाइल्स। इसमें होता क्या है कि रेक्टम के अंदर मस्से जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। और नंबर 2 होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इसमें एनस जो होता है उसके जो आसपास की स्किन या चमड़ी होती है उसके अंदर पाइल्स या मस्से जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अब हम बवासीर के कारणों पर बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब एनस और रेक्टम के आसपास की वेंस पे किसी भी कारण से प्रेशर पड़ता है तो उन पे सूजन आ जाती है, जिससे कि वो बल्ज आउट हो जाती हैं, इसलिए पाइल्स या मस्सों की शिकायत हो जाती है। मींस पाइल्स का मेन कारण एनल रीजन पर प्रेशर पड़ना ही है, और हमारे शरीर में एनल रीजन पर प्रेशर कई कारणों से पड़ सकते हैं। उसमें नंबर 1 कारण है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, इसलिए उसको मोशन जाने के लिए पुश करना पड़ता है, और पुश करने से उसकी एनल रीजन की जो वेंस होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को पाइल्स हो जाता है। नंबर 2 कारण होता है क्रोनिक डायरिया। एक्चुअली इसमें बार बार मोशन जाने के कारण पेशेंट के एनल म्यूकोजा में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को पाइल्स हो जाता है। नंबर 3 कारण ये होता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में डिलीवरी के दौरान पुश करने के दौरान वहाँ की पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली वेंस पे प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को पाइल्स हो जाता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण भी पेशेंट को पाइल्स की शिकायत हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना, फैटी फूड खाना, ऑयली फूड खाना, इसके कारण भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ की जो वेंस है वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को पाइल्स हो जाता है। मोटापे के कारण भी पाइल्स की शिकायत देखी गई है, क्योंकि एब्डोमेन की जगह पे एक्सेस वेट हो जाने के कारण वहाँ की ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पेशेंट को पाइल्स हो जाता है। रेगुलर हेवी लिफ्टिंग करने वाले या भारी सामान उठाने वाले लोगों को भी इंटरनल ऑर्गन रेक्टम वगैरह में प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वहाँ की वेन पे प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को पाइल्स हो जाता है। अब हम पाइल्स के साइन और सिम्टम्स पर बात करेंगे। एक्चुअली पाइल्स के जो सिम्टम होते हैं वह उसके टाइप पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक्सटर्नल पाइल्स में जो मस्से होते हैं वो एनस की जो रिंग होती है उसके आसपास की चमड़ी के अंदर होते हैं, इसलिए सबसे पहले पेशेंट को सिम्टम आता है कि वहाँ उसको खुजली होती है, इरिटेशन होता है, फिर धीरे धीरे उसको वहाँ पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, सूजन आने लगती है और पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।
नंबर टू तरह का जो पाइल्स होता है वो होता है इंटरनल पाइल्स। इसमें मस्से पेशेंट के रेक्टम के अंदर होते हैं, इसलिए पेशेंट को शुरू शुरू में कोई सिम्टम महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो पाइल्स बड़े होने लगते हैं, वहाँ का रास्ता रोकने लगते हैं, तो पेशेंट को कब्जियत होने लगती है, वहाँ इरीटेशन होने लगती है, और जब वो नीचे लटकने लगते हैं तो पेशेंट को ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। अब मैं तीसरे तरह के पाइल्स थ्रोम्बोस्ट पाइल्स के बारे में बात करूँगी। इसमें एक्सटर्नल पाइल्स में ही ब्लड का कलेक्शन हो जाता है और एक क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और ये पाइल्स धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और इसको क्योर करना मुश्किल होता है। अब हम यहाँ मोटा मोटा देखें तो पाइल्स के केस में पेशेंट को पांच तरह के साइन एंड सिम्टम मिलते हैं। नंबर वन, पेशेंट को एनल रीजन में इरीटेशन होता है, इचिंग होती है। नंबर टू, पेशेंट को एनल रीजन में स्वेलिंग हो सकती है, उसको वहाँ पर रेडनेस हो सकती है। नंबर तीन, ये मस्से ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकते हैं और नॉन ब्लीडिंग भी हो सकते हैं। नंबर चार, पेशेंट को एनल वाले रीजन में स्टिचिंग सेंसेशन होगा, लगेगा कि कोई सुइयाँ चुभ हो रहा है। और लास्ट ये है कि पेशेंट को माइल्ड टू सीवियर पेन भी वहाँ मिल सकता है। अब हम बात करेंगे पाइल्स की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर होम्योपैथी पांच तरह से काम करती है। नंबर वन, यदि किसी क्रोनिक बीमारी के कारण पेशेंट को पाइल्स रिकरेंट हो रहे हैं तो इसको भी कंट्रोल करती है। नंबर टू, यदि पेशेंट के जो करेंट सिम्टम हैं, डिस्कम्फर्ट है, इरीटेशन है, बर्निंग है, तो उन पर भी बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथिक मेडिसिन का। नंबर तीन, यदि पेशेंट को ब्लीडिंग हेवी हो रही है तो इस पर भी बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। और नंबर चार, यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, और उसके कारण पाइल्स की शिकायत है, तो इसको भी अच्छे से कंट्रोल करती है। और नंबर पाँच, होता क्या है कि एक्सटर्नल पाइल्स के दौरान कभी कभी पेशेंट को एनल रिंग में लम छूट जाता है, वो हार्ड हो जाता है और वो डिसॉल्व नहीं होता, तो यह भी इस कंडीशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसमें नंबर वन मेडिसिन है एस्कुलस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को मोशन के दौरान और उसके बाद भी जलन होती है, इरीटेशन होती है, उसको फील होता है कि कोई सुइयां जैसी चुभ रही हैं, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, उसको एनल रीजन में यदि सूजन आ गई है, उसके कारण लैट्रिन का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तब भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों पे इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, नंबर टू पर मेडिसिन है नॉक्सवोमिका। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण, मीन्स टाइम से खाना नहीं खाना, फैटी फूड खाना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, पानी नहीं पीना, इस कारण से यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, उसको पूरे टाइम कॉन्स्टेंट अर्जिंग बनी रहती है मोशन की, और उसको एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और मेनली ये नॉन ब्लीडिंग पाइल्स पे इसका बहुत अच्छा काम है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लो 6X। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को पाइल्स रिकरेंट, मतलब बार बार होते रहते हैं, उसके कारण वो या तो फिशर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर एनल रिंग के ऊपर एक गठान या लंप जैसा बन जाता है जो डिसॉल्व नहीं होता है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, यह ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों पे अच्छा काम करती है, और यह तब भी अच्छा काम करती है जब लोगों के, मतलब महिलाओं के पाइल्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद बढ़ जाते हैं। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामेलिस क्यू। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको पाइल्स में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो यह मेडिसिन बहुत जल्दी आराम दे देती है ब्लीडिंग पाइल्स में। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है कैलेंडुला क्यू। इस मेडिसिन को आपको खाना नहीं है, लोकली अप्लाई करना है। एक्चुअली होता क्या है, जब लॉन्ग टाइम तक पाइल्स की शिकायत बनी रहती है तो एनल रिंग में क्रैक्स हो जाते हैं और वो वुंड जल्दी हील नहीं होते हैं, तो पेशेंट को पाइल्स की समस्या बनी रहती है। इसलिए यदि कैलेंडुला क्यू को आप एक बड़ा टब ले लीजिए, उसमें गुनगुना पानी भरिए, उसमें 25 से 30 ड्रॉप आपको कैलेंडुला मदर टिंचर का डालना है और एनल रीजन की सिकाई करनी है। दोस्तों, यह फिशर्स के मामले में, कट के मामले में बहुत अच्छा रोल है कैलेंडुला क्यू का। इस तरह से बाकी जो मेडिसिन मैंने बताई हैं वो पाइल्स को इंटरनली हील करेगी, और कैलेंडुला क्यू इस पाइल्स की शिकायत को एक्सटर्नली हील करेगी।
अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। पाइल्स को प्रिवेंट करने का बेस्ट वे ये है कि स्टूल सॉफ्ट होने चाहिए। यदि स्टूल सॉफ्ट होंगे तो एनल रीजन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और पाइल्स की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों इसमें नंबर वन पे ये है कि अब अपना फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए। खूब सारा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, होल ग्रेन खाना है, जिससे स्टूल बंध के आएगा और सॉफ्ट आएगा और पेशेंट को पाइल्स की समस्या नहीं होगी। नंबर टू, पेशेंट को अपना वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए जिससे कि उसका स्टूल सॉफ्ट आएगा, उसकी एनल रीजन में प्रेशर नहीं पड़ेगा और उसको पाइल्स की समस्या में आराम मिलेगा। नंबर तीन, स्टूल पास करते वक्त एनल रीजन पे बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उससे भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग स्पेशली इन टॉयलेट। बहुत देर तक इस पोजीशन पर बैठने से भी एनल रीजन में प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को पाइल्स की समस्या हो जाती है। एक बात और देखी गई है कि बड़ों या बच्चों में जब मोशन की अर्ज होती है तब वो अवॉइड कर देते हैं जाना, और फिर जब अर्ज नहीं होती है तब जाते हैं तो भी वहाँ प्रेशर लगाना पड़ता है और पेशेंट को पाइल्स की समस्या हो जाती है। इसमें लास्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी है ये प्रिकॉशन कि पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिव लाइफ रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक्टिव लाइफ रहेगी तो उसको ओबेसिटी नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, कब्जियत नहीं होगी और अल्टीमेटली उसके एनल जो रिंग है या जो रीजन है वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो पेशेंट को पाइल्स की समस्या नहीं होगी। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके पाइल्स की समस्या को दूर करने में इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।